पेशेंट का अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगी। क्या बोला था जबलपुर में डॉक्टरों ने कि ऑपरेशन होगा, कूले ख़राब हो गए। कैसा लगा इलाज यहाँ पे? अच्छा है। कहाँ से आए हो? पनिया, ये घोरा के पास से। हाँ, और क्या परेशानी को लेकर आए हुए हो? यहाँ पर दर्द होता है पैर में। कब से दर्द है ये? कोई हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने। हाँ। रिपोर्ट में क्या बताया है? कूले ख़राब है। कूले ख़राब है, ऑपरेशन होगा। हाँ। ये कहाँ पे बताया था? जबलपुर। जबलपुर में कितने लाख रुपए बताए हैं आपको खर्चा? 3.5 लाख रुपए। 3.5-4 लाख रुपए। हाँ। चल के दिखाओ कैसे चलते हो, वहीं से चलो। हाँ, थोड़ी लाख के चलते हो? हाँ। चलो उकरू बैठ जाते नीचे। हाँ, बैठो। ठीक है, ये एबीएन का पेशेंट है और कूले जाम है और आज से इनका आयुर्वेद पद्धति द्वारा इलाज होगा। ये पेशेंट है मेरे पास और ये कम एज में इनके कूले जाम हो गए थे जिसकी वजह से इनको जबलपुर में एमआरआई द्वारा एबीएन सेकंड ग्रेड बताया गया था और ऑपरेशन के लिए बोला गया। ऑपरेशन के बाद यहाँ पे इन्हें ऑपरेशन नहीं कराया और हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा इलाज के लिए आए। आज 5वां दिन पूरा हुआ है और कितनी कूले की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और कितना आराम है सुनेंगे। क्या नाम है भैया? दीपक पाल। कहाँ से आए हो? घोरा पनिया। घोरा से, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से। किस परेशानी को लेकर आए हुए थे और कब आए हुए थे? यहाँ पर दर्द होता था, 4-5 दिन पहले आए थे। 5 दिन पहले आए हुए थे। कितना दर्द होता था? बहुत ज़्यादा, चल नहीं पाते थे सही से। चल नहीं पाते थे। अभी यहाँ पे कितने दिन हुए आपको इलाज के लिए? 5 दिन। 5 दिन। 5 दिन में क्या क्या करने लगे? सही से चलने लगे हैं और कम दर्द होने लगा। कम दर्द होने लगा है। क्या क्या नहीं कर पाते थे पहले, वो करके दिखाओ अभी। जैसे सही से चल नहीं पाते थे। हाँ, ऐसे। हाँ, और जो पाँव नहीं उठा पाते थे। पैर नहीं उठा पाते थे। अब पैर उठाओ, उस पर बैठ के पैर उठाओ। ऐसे नहीं उठा ये पैर नहीं उठा पाते नहीं। थे कूले जाम है और। हाँ। है ना। हाँ। पालथी लगाने में कहाँ पे दर्द होता था? यहाँ पर। यहाँ पे। अब पहले से कितना दर्द है? पहले से तो बहुत कम है। बहुत कम दर्द है। और कितनी मूवमेंट करने लगे? उकरू बैठने लगे। हाँ। अच्छे से। हाँ। पहले और बैठ जाते थे? पहले अच्छे से तो नहीं, थोड़ा कम होता था। अब ये पूरे तरीके से उकरू भी बैठने लगे। कूले जाम थे आपके और ऑपरेशन बोला था। हाँ। और 5 दिन हुए, ना तो यहाँ पे कोई जांच हुई है, ना इंजेक्शन लगाया, ना ऑपरेशन हुआ है। और आपको आराम हुआ है? क्या बोला था जबलपुर में डॉक्टरों ने कि ऑपरेशन होगा, कूले ख़राब हो गए हैं। कूले ख़राब हो गए हैं। कितना खर्चा बताया था? 2.5-3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपए। यहाँ पे कितना खर्च हुआ अभी 5 दिन में? वही 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये। आराम है कि नहीं है? हाँ। बहुत आराम है। थोड़ा नीचे उकरू और बैठ के दिखाओ। हाँ, ऐसे बैठ जाते थे? पहले थोड़ा दर्द होता था बैठना में। दर्द होता था। हाँ। अब बैठ जाते हो। हाँ। और पालथी लगा के बैठ के दिखाओ। जो एबीएन पेशेंट होते हैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं बैठ पाते थे और इतने अच्छे पेशेंट का अगर ऑपरेशन हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कल के दिन अगर फिर से दोबारा दिक्कत हुई तो दोबारा से ऑपरेशन होगा क्या। कैसा लगा इलाज यहाँ पे? अच्छा है। करवाना चाहिए लोगों को इलाज के नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए। करवाना चाहिए।